अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन ये इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है, शराक का वक्त है, सूरज निकल रहा है और ये हम गामजन हैं अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह की करम नवाजी से मदीने की तरफ। ये हम तरीके मदीना पर हैं और मदीना जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ये हसबे मामूल सज्जाद साहब हैं, सज्जाद अहमद साहब, और ये पीछे जो हैं ये बशीर साहब बैठे हुए हैं, और ये कियानी साहब हैं अपना स्याला वाले कियानी साहब। तो हम जनाब गामजन हैं जानबे तैयबा और आपका हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इस सफ़र का ज़्यादा मंज़र आपको नहीं दिखाएंगे, जल्दी से जल्दी आपको मदीना लेके जाएंगे। और ये मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा कदम लग जीदा। नाज़रीन ये मदीना से कुछ पहले तकरीबन घंटे सवा घंटे की मसाफत अभी रहती है तो ये कुछ आराम की शक्ल की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। ये इस तरह लगता है कि जैसे हम मिस्र में हैं, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और बड़ा बेहतरीन नज़ारा पेश करती। चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जानबे तैयबा, नजर शर्मिंदा बदन लर्जीदा। नाज़रीन ये वो जगह है जहाँ से आगे गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, यहाँ से आगे सिर्फ मुस्लिम जाते हैं और जो गैर मुस्लिम है उनको उधर कसीम की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये हम अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हरम के पास होंगे। ये यहाँ से अगर आप देखें तो इस जगह से मस्जिद नबवी के मीनार अगर मौसम साफ हो तो नज़र आना शुरू हो जाते हैं और हम जो है ये हरम के करीब पहुँच रहे हैं। आप अपने दिल पे काबू रखें तो थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह हम आपको सब्ज़ गुंबद के सामने जो है वो ले के जाएंगे। किसी के हाथ ने हमको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पे चीदा पे चीदा। नाज़रीन आप अपने दिल के ऊपर काबू रखें, ये हम अभी गुंबद खिजरा के सामने हाजिर होने लगे हैं। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु मुबारक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इस दुनिया के ऊपर अगर मक्का के बाद कोई बहुत बड़ा मकाम है, कोई बहुत बड़ी जगह है तो वो ये मदीना है। ये मक्का और मदीना दो ऐसे शहर हैं जहाँ पे दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा और ये अमन के शहर हैं और ये सलामती के शहर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं सब जहानों के लिए। अल्लाह पाक कहते हैं वमा अरसलनका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कहाँ मैं और कहाँ इस रोज़ाए अकदस का नजारा, कहाँ मैं और कहाँ इस रोज़ाए अकदस का नजारा, नजर इस सिंत उठती है मगर दज दीदा दज दीदा।
तो जहाँ जहाँ पे भी जो जहान है वहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। ये क्या निसा है नाज़रीन, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ रहते हैं, ये नईम क्या निसा, ये मेरे साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं रोज़ा पाक की हाज़िरी के लिए। तो ये हमें इस वक्त इजाज़त नहीं मिली है आगे अंदर जाने की, रोज़ा पाक के अंदर जाने की, उसकी ये खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो वो हमने कंप्यूटर के ज़रिए इजाज़त के लिए अप्लाई किया है, तो वो हमें कल की मिली है। कल जोहर के बाद इंशाल्लाह हम जो है वो लेकर जाएंगे आपको अंदर, और रोज़ा पाक की सब्ज जालियां आपको दिखाएंगे और अंदर से रोज़ा पाक आपको दिखाएंगे। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। लू लू विच शोक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों झड़ियां। इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा। सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान थी शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा एहसन का, मा अकमल का। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख खी किथे जा लड़िया। मुबारक हमने दिखाया थे रात के वक्त, अब ये दिन के वक्त आप देखें कि दिन के वक्त जो गुंबद खिजरा है, ये जो सब्ज गुंबद है, ये कैसे नजर आता है और इसकी क्या शान है। नाज़रीन बहुत सारी बातें होती हैं, यहाँ पे लोग आते हैं वो नवाफिल अदा करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अपने गुनाह बख्शवाते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं इस मकाम के ऊपर अल्लाह ताला से, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए, सब के चेहरे सामने आ जाते हैं अपने सब चाहने वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे बैठ के इस गुंबद का नज़ारा करना भी क्या बात है, क्या शान होती है। यहाँ से अगर आप इस गुंबद खिजरा का नज़ारा करें तो अभी नाज़रीन मैं आपको लेके जाऊंगा रोज़ा मुबारक के अंदर और आपको सब जालियां दिखाऊंगा और सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे मैं क्या कह सका क्या कह नहीं सका, ये आप खुद ही देख ले। नाज़रीन जब एक छोटे से किसी अफसर के सामने जाया जाता है तो हमारी क्या हालत होती है, और फिर बादशाह और शहनशाह और शहनशाहों के शहनशाह यहाँ पे हैं जो कायनात के मालिक हैं, तो आप खुद सोच ले कि क्या हालत होती है बंदे की, और दिल के ऊपर काबू नहीं रहता। यहाँ पे अल्फाज साथ नहीं देते या शेख, यहाँ पे आप खुद ही आपसे जो बात निकल गई मुंह से होश व हवास गुम हो जाते हैं यहाँ पे, और ये कुछ बंदा यहाँ पे नहीं कह सकता। तो जो कुछ भी जुबान के ऊपर आता है, जो भी दिल की धड़कन होती है, बस वही बोलती है। सलातो सलाम अलैके या हबीबा, सलातो सलाम अलैके या हबीबा, सलातो सलाम अलैके या हबीबा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. Thank you.